सभी को नमस्ते। तो कल हम लोगों ने मैं में चिंतन बोध अनुभव की क्रिया को ध्यान में रखते हुए अभ्यास एक को भी एक बार फिर से लौट के देखा था कि जो हम अभ्यास एक में स्टेप 4, 5, 6, 7 पे काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से है। तो स्टेप 7 में जाकर हम ये बात सुनिश्चित कर रहे हैं कि मेरे अंदर हर निर्णय संबंध के भाव के साथ हो, व्यवस्था के भाव के साथ हो, सहस्तित्व के भाव के साथ हो। तो हम लोगों ने अभ्यास एक में विधिवत रूप से 7 स्टेप्स में अपने स्वयं में भाव के परिमार्जन के लिए अभ्यास किया था। उसके संदर्भ में हम लोगों ने मैं की क्रियाओं पर पहले भी चर्चा की थी और इस लेक्चर में फिर से हमने एक बार चर्चा की, बोध के अर्थ को समझा, चिंतन के अर्थ को समझा, अनुभव के अर्थ को समझा और उसमें अपनी स्थिति का भी आकलन किया कि अभी हम कहाँ खड़े हैं और आगे हमें करने के लिए क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार से हम अपने अपने आप में और आगे गति कर सकते हैं। तो स्टेप 5 में जो हम देख रहे थे कि मेरे अंदर जो भी निर्णय हो रहा है उसका आधार क्या है, तो हमने वहां पे देखा कि या तो आधार समझ है, ज्ञान है, या उसके अभाव में कोई मान्यता है। यदि मेरा भाव, मेरा विचार सही समझ पे आधारित है तो मेरे अंदर वही भाव होते हैं जो मुझे सहज से स्वीकार होते हैं और फिर मैं अपने आप में आराम में रहता हूँ, व्यवस्था में रहता हूँ, लय में रहता हूँ, मेरे अंदर सुख बना रहता है। परंतु यदि मेरे भाव का निर्णय कुछ मान्यताओं पर निर्भर है, मैंने जाना नहीं है, समझा नहीं है, सिर्फ जस्ट मान लिया है, तो मान्यता गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो फिर मैं जो भाव का निर्णय करता हूँ अनिश्चित रहता है, वो कभी इस भाव के अर्थ में भी हो सकता है जो सहज रूप से स्वीकार है, या अन्यथा भी हो सकता है, तो मेरे मानने पर निर्भर करता है। और इसलिए जो मेरी कल्पनाशीलता की स्थिति होती है उसमें अनिश्चितता होती है, कभी आराम, कभी परेशान, कभी लय में, कभी अंतर विरोध में, कभी सुख, कभी दुख, और ऐसा चलता रहता है। तो इससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे स्टेप 5 में कि मुझे अपने अंदर समझ को, भाव को सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो अभी हमारी स्थिति कुछ ऐसी हो सकती है जो नीचे दिखी हुई है, जहां हम अनुभव बोध चिंतन में जागृत नहीं है, कल्पनाशीलता में ही चल रहे हैं और उसमें भी मान्यताओं के आधार पर कल्पनाशीलता चल रही है। स्टेप 6 में फिर हमने अपने आप से पूछा था कि मुझे कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार है, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, सहस्तित्व का या संघर्ष का। तो वहां दिखा कि मुझे तो संबंध का भाव ही सहज रूप से स्वीकार होता है, व्यवस्था का भाव ही सहज रूप से स्वीकार होता है, सहस्तित्व का भाव ही सहज रूप से स्वीकार होता है। तो फिर से निष्कर्ष निकला कि मुझे अपने अंदर ये भाव सुनिश्चित करने की जरूरत है, इसकी समझ को सुनिश्चित करने की जरूरत है जी। फिर जो स्टेप 6 के ही पार्ट 2 में हमने इस बात को देखा था कि अगर इसको अपने आप में सुनिश्चित करना है तो मुझे इनके मतलब संबंध के, चिंतन की, व्यवस्था के बोध की, सहस्तित्व के अनुभव की आवश्यकता है। फिर स्टेप 7 में हमने इस बात को इंश्योर किया कि मेरे अंदर जो भी निर्णय हो वो इसी भाव के आधार पर हो, पहले एक क्षण से शुरू करेंगे, फिर अगले क्षण, फिर हर एक क्षण। तो एक बार मुझे दिख जाए कि मुझे संबंध का, व्यवस्था का, सहस्तित्व का भाव सहज से स्वीकार होता है, इसी में मेरा आराम है, इसी में मेरा सुख है, तो मुझे इंश्योर करना है कि मेरे अंदर हर क्षण जो भाव हो उसी अर्थ में हो। और इसको जब हर क्षण सुनिश्चित करने जाते हैं तो फिर चिंतन की, बोध की, सहस्तित्व के अनुभव की आवश्यकता हमारी बनती जाती है। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं, हम कम से कम अगर ये भी इंश्योर करें कि इस क्षण में तो मेरे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है जो इसके अन्यथा हो, जो भाव इसी अर्थ में हो, तो उसमें हमारी कल्पनाशीलता के दायरे में ही आप पाएंगे कि विकास की एक संभावना बनने लगती है, हम इस भाव को अपने आप में चित्रित करने लगते हैं। कई बार हमारे अंदर जो कल्पनाशीलता चल रही होती है कुछ घटनाओं को लेकर चल रही होती है, परंतु उसके मूल में जो भाव है उस पर ध्यान चला जाए, उसके परिमार्जन पर ध्यान चला जाए, तो काम हमारे अंदर शुरू हो जाता है। तो यही काम हमें एक एक क्षण में, फिर उसके बाद हर एक क्षण में सुनिश्चित करना है, और एक मानव के रूप में यही हमारा कार्यक्रम है, ये पूरा उपक्रम है हमारे जीने का, उसके लक्ष्य रूप में देखें तो यही है कि हमारे अंदर हर क्षण संबंध का, व्यवस्था का, सहस्तित्व का भाव बना रहे जी। तो एक बार मेरे अंदर क्रियाओं की पूर्णता हो जाए तो वो मेरे जीने में आता है, और जीने में मानव के साथ जो मैं व्यवहार करता हूँ उसमें मेरी भागीदारी हर क्षण दूसरे के सुख के अर्थ में होता है,
मैं अपने आप में तो सुखी बना ही रहता हूँ, सुखी होकर मैं दूसरे के सुख में भागीदार रहता हूँ। प्रकृति के साथ जुड़ के जो कार्य करता हूँ, हर क्षण मेरी जो भागीदारी होती है प्रकृति को संवर्धित संरक्षित है ना सदुपयोग के अर्थ में होती है, न कि उसका दोहन शोषण के अर्थ में होती है। और जो व्यवस्था में भागीदारी करता हूँ तो मेरी जो पूरी कल्पनाशीलता है वो तो सार्वभौम व्यवस्था के लिए समर्पित होती है, मानवीय परंपरा के लिए समर्पित होती है। तो कई बार बात हुई कि हम लोग अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आने लगते हैं कि जहाँ हम आज के दिन सिर्फ अपने बच्चे को लेकर भी कोई योजना निश्चित नहीं बना पाते है ना, चिंतित दुखी रहते हैं। हमारी इतनी योग्यता बढ़ सकती है कि हम अगले पीढ़ी की पूरी योजना बना पाए। आज के दिन जो हम शिक्षा में काम कर रहे हैं, हायर टेक्निकल एजुकेशन में जो काम हो रहा है, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन में हो रहा है, फिर उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी में एजुकेशन में करने जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली देखें तो हम पूरी अगली पीढ़ी के लिए ही काम कर रहे हैं, है ना। इसमें अगर हमारा ये भाव विकसित हो जाए कि अगली पीढ़ी ही हमारी संतान है, इन सबके सुख के लिए समृद्धि के लिए मुझे काम करना है, ये धरती मेरे भोग की वस्तु नहीं है, ये प्रकृति की एक व्यवस्था है, इसको बना के रखना है ताकि हर आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति उपलब्ध रहे, है ना। तो एक बार हमारे अंदर ये विकास की स्थिति बनती है तो हमारे हर क्षण भाव विचार योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन मूल्यांकन इसी अर्थ में होता है कि मानवीय परंपरा के अर्थ में है कि नहीं। जी जी तो इस प्रकार से जो हायर एक्टिविटीज है वो लोअर एक्टिविटीज को गाइड कर रही है, इन सब पे हमने डिस्कशन किया था, यहाँ सिंपली इसको रिकैप कर रहे हैं। तो एक छोर पे स्वयं में सहस्तित्व के अनुभव के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे छोर पे हम सार्वभौम व्यवस्था और मानवीय परंपरा के लिए काम कर रहे हैं। तो जितना जितना हम ऊपर की ओर गति करेंगे उतना उतना हम फैल कर संबंध में व्यवस्था में भागीदारी कर पाएंगे। अगर वहां भागीदारी नहीं कर पा रहे इसका मतलब स्वयं में गति नहीं कर पा रहे, है ना। ये जो जीना है हमारा प्रमाण होता है, समझ का भाव का ज्ञान का प्रमाण होता है। तो अगर हम अपने आप को रोके हुए हैं, हम नहीं फैल पा रहे संबंध में, नहीं फैल पा रहे व्यवस्था में, यानी कहीं ना कहीं हमारे भाव में चूक हो रही है, मैं संबंध में अखंडता को नहीं देख पा रहा हूँ, कोई मेरे लिए प्रिय है कोई अप्रिय है, मैं संबंध में अखंडता को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं हर मानव के साथ संबंध को नहीं देख पा रहा हूँ। तो यदि मैं फैल के नहीं जी पा रहा हूँ, यदि मैं संबंध में भागीदारी फैल के नहीं कर पा रहा हूँ, व्यवस्था में भागीदारी फैल के नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, मानवीय परंपरा के अर्थ में योजना कार्यक्रम में भागीदारी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे अपने आप में जांचने का अवसर मिलता कि क्या मुझे चिंतन की क्रिया के लिए पात्रता भी बन रही है कि नहीं। तो जब हम भागीदारी करते हैं तो ऊपर की क्रियाओं के लिए पात्रता बनती है हमारी, हम तैयार होते हैं उसके लिए। और जितना जितना हम ऊपर गति करते हैं सहज रूप से हम भागीदारी करते ही, जहाँ हम अभी अपने लिए सुविधा संग्रह के लिए भी सीमा नहीं तय कर पाते और पूरी शरीर यात्रा सुविधा संग्रह में लग जाती है, तब भी समृद्धि का भाव नहीं होता, सुख नहीं होता, तृप्ति नहीं होती। उसके स्थान पर हमको दिखता है कि शरीर के लिए आवश्यक सुविधा तो सीमित है, तो हम अपना तन मन धन समाज की व्यवस्था के लगाने के लिए तत्पर हो पाते हैं, परंपरा के लगाने के लिए तत्पर हो पाते हैं, नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप में गति में कहीं ना बाधित है, कहीं देख नहीं पा रहे संबंध को। ये अपने आप में तय करने की जांचने की बात है। तो आप पाएंगे कि शिक्षा एक सहज कार्यक्रम है, आप पाएंगे कि मानव का विकास एक सहज कार्यक्रम है। एक बार ये संवाद स्थापित हो जाए समाज में, संवाद स्थापित हो जाए शिक्षा में, ये फैलता ही है। और अल्टीमेटली समाज को प्रमाण चाहिए कि हाँ ये सुखपूर्वक जीने की विधि है। समाज में हर मानव की चाहना ठीक है ना। अभी पिछले 200 सालों में जो सुविधा को प्रायोरिटी देकर जो मान्यताएं बन गई उसके कारण हम उलझ गए, और अभी भी जो टेक्नोलॉजी को लेकर काम हो रहा है उसके कारण और उलझते जा रहे हैं, परंतु लोगों को ये भी दिख रहा है कि सुखपूर्वक नहीं जिया जा सकता इस विधि से, बिलियनियर बनकर सुखपूर्वक नहीं जिया जा सकता। बिलियनियर बनने की अगर योजना बना रहे हैं तो उसमें सुख की निश्चितता नहीं है, तो सुख की निश्चितता नहीं है। तो चाहते तो सुख है, बिलियनियर बनना नहीं है ना, चाहते तो हम सबके साथ संबंध पूर्वक जीना है, अखंडता चाहते हैं, न कि हम समाज में कुछ विशेष बनकर जिए। तो ये बातें हमको स्पष्ट हो सकती हैं, और जितना जितना हमारे जीने में प्रमाणित होगा उतना उतना सहज रूप से ये समाज में परंपरा में शिक्षा में जाएगा। जी इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। नमस्ते भैया, भैया कल
वो चर्चा चल रही थी मानने और जानने वाली, तो उसमें मुझे ये था कि मैं अभी कंटेंट को मान रहा हूँ या जान रहा हूँ, इसमें क्लियरिटी के लिए जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, मैंने कहा कि जैसे कुछ चेंजेस हो रहे हैं मेरे अंदर, तो मैं इसको क्या मानूँ कि ये मान के हो रहा है या जान के हो रहा है। तो आपने कहा कि एक बार ये देखने की आवश्यकता है, तो हो सकता है मैं अभी सिर्फ क्योंकि सेशन करता हूँ और कंटेंट के टच में हूँ, इस वजह से ऐसे चेंजेस हो रहे हो। तो अब ये कैसे पता चले कि ये जो चेंजेस हैं ये मान के हो रहे हैं या जान के हो रहे हैं, इस पे थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए। जी, इसका जो टेस्ट है वो है कि निरंतरता है कि नहीं। हाँ, अच्छा, निरंतरता तो नहीं है। ठीक निरंतरता नहीं है तो जाना नहीं है, माना ही है। है भैया, बढ़िया, ध्यान गया, थैंक यू। नमस्ते भैया, मेरा प्रश्न नहीं है, बस ये शेयरिंग करनी थी। ये जब से यूएचवी का जो कंटेंट है, इससे हम मतलब इसको अपने में जानने समझने लगे हैं, तो ये अभी जैसे इंग्लिश सेशन में भी था दीदी का, तो इसके तहत जो मैंने महसूस किया है और समझा है कि पहले जैसे मैं जितनी रिएक्शन या मतलब प्रतिक्रियावादी होती थी, तो अब की स्थिति ये है कि बहुत ही स्थिरता के साथ जो है वो मेरे अपने ही भाव में, विचारों में, सब कुछ जो है बहुत ही एक तरह से परिमार्जन हुआ है। और चाहे सुख हो, मतलब परिस्थितियां चाहे जो भी हो, सुख हो दुख हो, वो बहुत ही स्थिरता के साथ और बहुत ही सहज रूप से जो है उसको एक स्वीकारने का एक कार्यक्रम जो है वो आरंभ हो गया है। मतलब यहाँ तक कि वो जैसे लगता है कि मुझे कुछ प्रभावित ही नहीं कर रहा है, और शुरू शुरू में तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है मुझे, मतलब ना तो ऐसी कोई विशेष खुशी हो रही है, या अगर मुझे कोई गलत सोच रहा है, या गलत मुझे अगर कुछ उस तरह से कोई अगर मेरे अनुकूल कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो उससे भी मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो रहा। और अगर कभी थोड़ा होता भी था तो मुझे लगता था कि नहीं, ये तो बाहरी जो चीजें हैं, इसको मैं अपने संगीत को, अपनी हारमोनी को जो है इसको मुझे मुझे डिस्टर्ब नहीं करने देना है। तो इसलिए पहले तो लगा कि ये हो क्या रहा है, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये जो है और भैया आपने एक चीज और अनुभव किया होगा कि मैं पहले जितना मैं बोलती थी, अब थोड़ा वो कम, थोड़ा क्या बहुत ही कम हो गया है। तो ये भी एक स्थिति हो गई है कि बस मुझे अपना कार्य करना है, और मुझे ना तो फेसबुक, ना कोई सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं, हमें किसी चीज पे उसको नहीं डालना है, हमको कोई इच्छा ही नहीं रह गई है। बल्कि मेरे महाविद्यालय के जो शिक्षक है, कहते हैं मैडम आप पहले इतनी फायर ब्रांड थी, अब एकदम से शांत हो गई, क्या बात है। तो ये भैया जो है, लेकिन अपने में ही जो है एक बहुत ही असीम जो है शांति और सुख जिसको कह सकते हैं, ये इससे हुआ है। खाने पीने के मामले में भी ये जैसे लगता है कि जब तक बहुत भूख ना हो, तब तक कोई ऐसी विशेष इच्छा ही नहीं रह गई कि नहीं ये भी खाना है, वो भी खाना है। या तो ये शुरू शुरू में मुझे लगा कि क्या करूं, मतलब ये मेरे साथ सही हो रहा है या क्या, लेकिन ठीक है भैया, ये मतलब एक स्थिति ऐसी, मैं बस ये साझा करना चाह रही थी, एक बार बहुत सोचा कि। बढ़िया दीदी जी, ठीक है भैया, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये सब चीजें नोटेबल हैं, और कई बार जब हम लोग वस्तु को आगे लेके जाते हैं तो जो अधिकारी होते हुए प्रश्न करते हैं, क्या परिवर्तन होता है ना, कितने लोगों में परिवर्तन हो गया, क्या संभावना है, तो इस तरह की जो शेयरिंग है काफी उपयोगी होती है। इसलिए हम लोग जो भी आपकी शेयरिंग होती है उसको हम लोग प्रयास करते हैं डॉक्यूमेंट करने के लिए, और उसको हम लोग अभी प्रयास ये भी कर रहे हैं कि प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आ जाए, जहाँ पे हम कहीं भी ऐसी शिक्षा की वस्तु को हम रखना चाह रहे हैं, कोई प्रस्ताव ले जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे उपयोगी हो सकते हैं। जी नमस्ते भैया,
भैया मैं एक स्थिति के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जैसे हमने मान लीजिए मॉर्निंग सेशन अटेंड किया, ठीक है ना, और हम अपने कार्य पे पहुंचे, और कार्य में हम लोग समाधिस्त हो गए, बहुत ज्यादा खो गए, और काम करते 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 उसमें ये भी विचार नहीं आता कि मैं अपने शरीर को देखूं। उस समय तो ये विचार चलता है कि बस ये काम हमारा आउटपुट बढ़िया हो जाए ना, चाहे वो लेक्चर लेना हो, चाहे वो अटेंडेंस से रिलेटेड काम हो, चाहे वो और किसी भी पार्ट का काम हो, एकेडमिक पार्ट हो। तो क्या इस समय भी हम सूक्ष्मता से अपने शरीर को देख रहे हैं या हम अनअवेयर हो गए? क्योंकि उस समय विचार में सिर्फ वो काम चल रहा है कि हाँ ये काम होना है और इस तरह से होना है। तो क्या उस समय भी हम शरीर को और अपने आप को, मैं अपने और अपने शरीर को क्या डिफरेंशिएट करके देख पा रहे हैं, क्या देखते हैं, देख सकते हैं कि हमारा काम भी होता रहे और हम अपने आप को देखते भी रहे उतनी सूक्ष्मता के साथ? जी, तो अभी देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं ये तो आपको ही तय करना है। जब मन लगाकर आप कहीं लेक्चर ले रहे हैं किसी क्लास में, तो उस समय अवेयरनेस लेवल कहाँ तक है, क्या जो कंटेंट दे रहे हैं सिर्फ उस पे ही है या इन सारी बातों को भी साथ में देख पा रहे हैं, इन बच्चों के साथ मेरा संबंध है, ये बच्चे शरीर नहीं है, मैं और शरीर के अस्तित्व के रूप में है और मैं भी ऐसा ही हूँ। तो ये तो अपने अवेयरनेस की बात है, परंतु इतना तो जरूर है कि अगर एक बार मुझे ये वास्तविकता पूरी स्पष्ट हो जाए तो उससे स्पष्टता के साथ हम निर्वाह करते हैं, तो हमारे अंदर वो अवेयरनेस तो बनी ही रहती है। अवेयरनेस ज्ञान के स्तर पर, ऐसा नहीं कि अलग से विचार करने भैया, अगर विचार करना पड़ता है, उसको देखने का निर्णय लेना पड़ता है क्योंकि दिखा नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो हमारी स्थिति है उसके अनुसार गति तो उसी प्रकार से दिखती है कि हम बच्चों को अपने बच्चों के साथ अपना संबंध देख पाते हैं, इसीलिए उनसे हम इंटरेक्शन भी कर पाते हैं। लेकिन जो काम है, जैसे मान लीजिए आपको अटेंडेंस करनी या कोई और काम कर रहे हैं, उस समय आप अपने शरीर का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या उस समय भी संबंध देख पाएंगे? क्या उस समय संबंध किस चीज का देखेंगे? बिल्कुल, देखिए एक बार ये संबंध हमारे चिंतन में आ जाए ना, तो फिर हम जिसके साथ में निर्वाह कर रहे हैं आधार में तो यही रहता है। आप उसको अलग से कहते नहीं अपने आप से कि हाँ मैं मानवीय परंपरा के लिए कर रहा हूँ, परंतु भाव तो यही है कि मानवीय परंपरा के लिए कर रहे हैं, अटेंडेंस भी भर रहे हैं, तो मेरा भाव ये नहीं है कि जो एबसेंट हो गया है ना वो बदमाश है। मेरे अंदर भाव ये आता है कि एबसेंट क्यों हो गया, कहीं से घर में कुछ अप्रिय घटना तो नहीं हो गई, कहीं ये समाज के जो प्रचलित संवेदना या मान्यता के स्रोत हैं उसमें तो नहीं उलझ गया, तो मेरे अंदर वो भाव बना रहता है। अभी अगर कोई बच्चा एबसेंट हो गया तो विचार ये चल सकता है कि इसको तो इस बार रोक ही देना है, किसी भी तरह एग्जाम नहीं देने देंगे, है ना। परंतु यदि संबंध के भाव से सोचे तो उनको लगता है कि ठीक है, अभी इसको जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसका महत्व नहीं दिख रहा, हो सकता है वो महत्व भी इतना ना हो, अभी करिकुलम ने उतना महत्व दे दिया है, इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज कुछ और हो सकते हैं, तो क्यों ना उसको बुला के बात किया जाए, उसकी मेंटरिंग की जाए। ये पूरा हमारे अप्रोच में चेंज आ जाता है। अभी आप पाएंगे कि जो जो लोग वर्कशॉप से गुजर गए वो ये बात कई बार शेयर करते हैं कि अब मैं बच्चों को मेंटरिंग करने लगा हूँ, बच्चे मेरे से कनेक्ट होने लगे हैं, अपने पर्सनल इश्यूज को शेयर करने लगे हैं। वही बच्चे जो मुझसे पहले डरते थे, घबराते थे, मुझसे दूरी बनाते थे, तो मेरे अंदर संबंध का भाव बना है, तब तो ऐसा हुआ है। तो मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ है ना, अल्टीमेटली अटेंडेंस तो बच्चों का ही भर रहा हूँ, जो मानव है, पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, नहीं परिवार के लिए भी अगर मैं सुविधा कमा रहा हूँ तो वहाँ पे मानव है, तो ये जहाँ भी मैं निर्वाह कर रहा हूँ वहाँ संबंध तो हमें दिखता ही है। अगर मैं अपनी गाड़ी भी कहीं ठीक करा रहा हूँ गैराज में, जो वर्कर है वो भी मानव है, इसके साथ ही संबंध दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं अपनी गाड़ी ठीक करा रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान अपनी गाड़ी के पॉलिश पे है, हमें ये भी दिखाई देता है कि इसको करते हुए इसका परिवार ठीक से चल पा रहा है कि नहीं। तो ये भाव हमारे अंदर हर क्षण बना रहता है। तो भैया ये क्या कहना उचित रहेगा कि अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो विरोध का आ गया, मान लीजिए हमारा जो कार्य व्यवहार है उसे करने पे हम बहुत ज्यादा विरोध में आ गए, तो यानी उस समय हम लोगों ने इस पार्ट को मिस कर दिया होगा, बिल्कुल सूक्ष्मता के साथ देखा ही नहीं है। और अगर हम एक यू कैन से एक लयता के साथ बिल्कुल उसमें मग्न होकर काम कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली मतलब उस समय मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने देखा तो नहीं लेकिन वो मेरे सूक्ष्मता के साथ मेरे साथ चला, मेरे साथ ही ऑटोमेटिकली चल रहा है कि मैं संबंध भी देख पा रहा हूँ बच्चों का, है ना, तो मैं बड़े आराम में हूँ, मतलब मेरे में कोई विरोध नहीं आया और मैं बहुत आराम में अपना काम करके खत्म करके दूसरे काम को सिंक्रोनाइज वे में करता चला जा रहा हूँ।
ये स्थिति क्या भैया, ये सही रहेगी वहां पे जी? यहाँ पे अब संभावना हो सकती है, अभी चिंतन नहीं हुआ है, परंतु चित्रण में उस क्षण तो संबंध का भाव बना हुआ है, ये हो सकता है। फिर ये भी संभावना है कि संबंध के भाव में हम फिर भटक गए, अधिमूल्यन में चले गए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे तो संबंध का भाव सामयिक रूप से रहता है, परंतु चूंकि उसका चिंतन नहीं हुआ है तो संबंध के भाव में भी हम बह गए और कहीं अधिमूल्यन में चले गए, उसको विशेष बना लिया जिसके लिए कुछ कर रहे हैं। फिर हम है ना, ये जैसे ही चूक करते हैं फिर हमें उसकी परेशानी शुरू होती है, फिर मूल्यांकन करते हैं, फिर लौट के आते हैं। तो ये भी होता है, हम संबंध के भाव में जब जीने जाते हैं और चिंतन नहीं हुआ है भाव का, तो संबंध के भाव फिर बह जाते हैं, फिर उसमें कहीं अधिमूल्यन में चले जाते हैं, बाकी के और मूल्यन में चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। ये उतार चढ़ाव भी बना रहता है। जी भैया धन्यवाद, थैंक यू। जी भैया नमस्ते। ये प्रश्न पूछना था, जो हम लोगों में यदि कई सारी अपने में हम लोग कमी देख भी रहे हैं जीने में आचरण में, फिर भी जो हमारी संतान है या कोई भी हमारा रिलेटिव है, तो हम उसमें जो है सो क्या कहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं कि वो संस्कारवान हो और उसका जीना सही हो, उसका आचरण सही हो, उसमें कोई कमी नहीं हो, ये किस बात का संकेत है? इसमें भी कोई भ्रम है या ये हम लोग एक पूर्णता वाली स्थिति को स्वीकार करते हैं, सही को मानने, सही को स्वीकार करने का प्रमाण है, या क्या है, ये प्रश्न है मेरा। इस बात पर निर्भर करता है कि अभी आप आचरण के रूप में क्या मानते हैं, है ना, अभी किस रूप में देखते हैं, संस्कार सही संस्कार किसको मानते हैं जी। हमारी सहज स्वीकृति तो है इस बात के लिए जी कि अगले का संस्कार ठीक हो, आचरण ठीक हो, अगले में ज्ञान समाधान हो, इसकी सहज स्वीकृति तो है। बट जब हम इसके लिए एक्सपेक्टेशन बनाते हैं तो मानने के आधार पर हो सकता है, जानने के आधार पर हो सकता है जी। मान लीजिए कि दोनों स्थिति हमें समाज में दिखता है, मान लीजिए जो कोई अभी समाज में अपनी बात करते हैं, रुके रुके अभी हम फैलते नहीं है, अभी अपनी बात करें। हाँ तो भैया अपने भाव में ऑब्जर्व करें तो अपनी ही बात यदि हम रखे व्यक्तिगत रूप से, तो हमें जो गुरुजनों से प्रस्ताव मिला, पहले मान लीजिए थोड़ा बहुत था भाषावास, फिर जब गुरुजनों से प्रस्ताव मिला जो हम जांच परख अपने में किए, तो उसके आधार पर जो मुझे लग रहा है कि ऐसा एक आचरण जो है सो होना चाहिए, हो ये चीज जीने लायक है, ये चीज समझने लायक है, तो हम उसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि हम में यदि नहीं भी, हम में लाख कमियां हैं, फिर भी हम चाहते हैं संतान में जो है सो संतान है या कोई भी है तो उसमें वो भी संस्कारवान हो, तो ये क्या चीज का द्योतक है, क्या संकेत देता है? सहज स्वीकृति हमारी जी, सहज स्वीकृति तो हमारी, हम चाहे जितने भी गलत जी रहे हो, कोई अपराधी भी होता है, उसकी सहज स्वीकृति यही है कि उसका बच्चा जो है वो समाज में अच्छा सम्मान पाए, सुखपूर्वक जिए, इस गंदगी से निकल पाए, तो यही है जी। जी, तो जी, हम अपने संतान के प्रति भी यही भाव रखते हैं कि हमारे संतान में सही समझ सही भाव हो जी। जी भैया, परंतु मान्यता बस हम है ना कुछ भी मान सकते हैं, सहज स्वीकृति अपने आप में निश्चित रहती है। धन्यवाद भैया। नमस्ते भैया। जी भैया, अभी आप जैसे बता रहे थे संबंधों में अपन देखते हैं कि कई बार अधिमूल्यन कर लेते हैं, और अधिमूल्यन होने के बाद जब वो जैसा हम अधिमूल्यन करते वैसा होता नहीं, तो कहीं ना कहीं जैसा कल आपने कल भी बताया था कि नो एक्सेप्टेशन, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, तो ऐसा फिर चलता है। तो ऐसा क्या करें कि हम किसी का अधिमूल्यन भी नहीं करें और अवमूल्यन भी नहीं कर पाए? संबंध के भाव का चिंतन करें। देखिए अधिमूल्यन अवमूल्यन इसलिए होता है क्योंकि एक तो हमें मैं में श्रेष्ठता क्या है, विकास क्या है, वो स्पष्ट नहीं होता। दूसरा मानव क्या, ये भी स्पष्ट नहीं होता। तो मानव को शरीर मान लिया तो उसके आधार पर अधिमूल्यन कर लिया या अवमूल्यन कर लिया, है ना। सुविधा को सुख मान लिया तो अधिमूल्यन कर लिया, अवमूल्यन कर लिया। कुछ मान्यता कोई हमने श्रेष्ठता मान लिया तो अधिमूल्यन कर लिया, अवमूल्यन कर लिया। तो श्रेष्ठता क्या है? चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना, यही श्रेष्ठता है। इसके अन्यथा कुछ भी मानते हैं तो वो मूल्यांकन में चूक की पूरी संभावना है। तो चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना ही श्रेष्ठता है, बाकी सब कुछ इसके अर्थ में है तो उसके लिए तैयारी है या उसकी भागीदारी है, इसके अर्थ में नहीं है तो उसमें बाधा है। तो हमने खूब सारी सुविधा जुटा ली, है ना, या हमारे संतान ने खूब सारी सुविधा जुटा ली, बट चिंतन बोध अनुभव पे ध्यान ही नहीं है तो बाधा बन गया। वो इतना व्यस्त हो गया है कि उसके लिए समय ही नहीं है, मुख्य काम छूटा जा रहा है।
तो कई बार हम इस बात से तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ हमारे बच्चे बहुत सक्सेसफुल हो गए, करियर बन गया, विदेश चले गए, डिग्री कमा ली, है ना, पैसा कमा रहे हैं, काफी स्टेटस आ गया सोसाइटी में, ऊंचे पद पे चला गया, सो ऑन। बट चिंतन बोध अनुभव में जागृत हो पा रहा है कि नहीं, नहीं तो हमने उसका अधिमूल्यन कर लिया है, इन वस्तुओं का अधिमूल्यन कर लिया, उसके पैसे का, पद का, यश का हमने अधिमूल्यन कर लिया है, और इससे उसके विकास में बाधा ही होगी। अब वो धीरे धीरे दिखने लगता है, फिर अगली पीढ़ी की जब बारी आती है तो अगली पीढ़ी तो हाथ से निकल गई, क्योंकि बच्चे में जो ज्ञान समाधान सुनिश्चित करना था वो हुआ नहीं, तो अगली पीढ़ी में तो बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा, अल्लाह शिक्षा वैसी हो कि बच्चे के सही की ओर ध्यान आकर्षण हो जाए। तो इस तरह की चूके इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर भी संबंध का भाव स्थापित नहीं हुआ है, संबंध के भाव के साथ हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं बट वहां हमारे पुराने संस्कार मिल जा रहे हैं। जैसे अभी ये करने लायक काम है कि अगर हमको अपने बच्चे के ही अच्छे भविष्य के लिए योजना बनानी हो तो हम कैसे योजना बनाते हैं उसको हम देख सकते हैं। ये मैं का जो विकास है ये हो जाए इस अर्थ में बनाते हैं, या सुविधा के अर्थ में, पद के अर्थ में, है ना, इस अर्थ में बनाते हैं। अभी का तो भैया ऐसे ही सुविधा के अर्थ में या पद के अर्थ में देखा जाता है, इतना पद हो जाएगा तो समाज से इतना सम्मान मिल जाएगा, या मेरी भी इतनी वो हो जाएगी, तो उसका बेटा है या उसका भाई है तो उनका बच्चा प्लानिंग में पहुंच गया, उनका बच्चा इस पद पे पहुंच गया, विदेश पहुंच गया, है ना, हमारा बच्चा पहुंच जाए, हम अपने बच्चे के लिए भी पूरी मतलब उसके साथ संबंध की स्वीकृति होने के बावजूद जो योजना बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं और उसमें उसका विकास नहीं है। फिर वही बच्चा विदेश पहुंच गया, हमको कॉल नहीं करता, याद नहीं रखता, है ना, जरूरत पड़ने पे काम नहीं आता, हमको दुख होता है, बट हमने उसको अधिमूल्यन करके कहीं से कहीं पहुंचा दिया। हाँ ये तो होता ही, फिर बाद में कहीं ना कहीं अगर अधिमूल्यन करे तो भी कहीं ना कहीं फिर वही लाइन तो आई जाती है, नो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि सही चीज तो ये समझ में क्या क्या जाए। अभी हमने एक्सपेक्टेशन को जो आधार बनाया वो मान्यताएं थी, वो पूरी नहीं हो पाई तो नो एक्सपेक्टेशन, वहां पहुंच गए। अभी समाज में लोग जनरली यही बात करने लगे हैं, भाई किसी से कोई अपेक्षा ना रखो, कोई आशा ना रखो, सब अपने अपने मतलब के होते हैं भाई। हमको ये दिख जाए कि हर व्यक्ति का सुख ज्ञान और समाधान से है तो सब एक दूसरे के लिए है, क्योंकि फैल का जितना हम सार्वभौम व्यवस्था भागीदारी करेंगे उतना ही मेरा ज्ञान सुनिश्चित होगा, उतना ही मेरे अंदर समाधान सुनिश्चित होगा। तो जहां हम ये मानते कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो, हमको दिखता है कि हर व्यक्ति अब हर दूसरे के सुख के अर्थ में है, दूसरे के सुख के अर्थ में भागीदार होगा तभी स्वयं में भी सुखी हो पाएगा, ये दिखाई देता है। नहीं भैया एक और साहब बता रहे थे अभी कि अखंड संबंध में हम लोग अखंडता नहीं देख पाते, क्या नहीं देख तो पाते इसका भी अखंडता संबंध में, जी अखंडता नहीं, हर व्यक्ति के साथ, हाँ जी हर व्यक्ति के साथ संबंध नहीं देख पाते या फिर संबंध में अखंड, तो मैं अपना भी ऐसे देख पाता हूँ कि हर व्यक्ति के साथ तो कहीं ना कहीं बहुत दूरी हो जाती है, अभी जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप में उसमें भी नहीं देख पाते संबंध का जो इतना गहरा रिश्ता, उसमें भी कहीं ना कहीं अपन शंका वो रहती है संबंध के प्रति। देखिए संबंध को जब तक शरीर के आधार पर, सुविधा के आधार पर, मान्यता के आधार पर पहचान रहे, अखंडता हो ही नहीं सकती, वो तो सिंपली पॉसिबल नहीं है ना। ये लोग मेरे संप्रदाय के हैं इसलिए मेरे अपने हैं, बाकी पराए हैं, इनका शरीर मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है तो मेरे अपने हैं, बाकी पराए हैं, है ना, या इनके साथ निभाऊंगा तो मेरी सुविधा बढ़ेगी, इनका निभाऊंगा तो सुविधा घटेगी, तो ये अपने हो गए बाकी पराए हो गए, तो इससे तो कभी संबंध में अखंडता आएगी नहीं। तो सो मुख्य मुद्दा तो मैं और शरीर के सहस्तित्व के रूप में मानव को देख पाना है, फिर मैं का संबंध दिखता है, मैं से मैं का संबंध दिखता है, फिर उसमें सुख के स्रोत भी स्पष्ट होना जरूरी है। मैं से मैं का संबंध अगर थोड़ा अस्पष्ट भी होने लगे परंतु सुख का स्रोत अगर यही बना हुआ है, शरीर से मिलने वाली संवेदना, दूसरों से मिलने वाला भाव, मान्यताओं की पूर्ति, है ना, तो फिर वही फंस जाएंगे। तो अपने आप को, है ना, मैं और शरीर के सांस्कृतिक रूप में देखने के साथ साथ सुख का स्रोत भी स्पष्ट होना जरूरी है। अभी तक तो शरीर के आधार पे देख रहे थे संबंध को, वो ही हो रहा था। हाँ शरीर के आधार पर मानव को देखते हैं, सुविधा से ही सुख मान लेते हैं, ये तो कॉमन सी चीज है, कुछ मान्यताओं को पूरा करने को ही श्रेष्ठता मान लेते हैं, विकास मान लेते हैं। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते, नमस्ते। भैया एक क्वेश्चन है, क्वेरी ऐसी थी, एक एक्सपीरियंस है मेरा, मेरा एक स्टूडेंट है और रिलेटिव है, वो
बहुत गरीब परिस्थिति में से उन्होंने इंजीनियरिंग किया, बाद में उन्होंने खुद का बिजनेस चालू किया रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चालू किया, और उसमें उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया। नियर अबाउट 700 एम्प्लॉय इंजीनियरिंग स्टूडेंट उनके यहाँ काम करते हैं, जॉब दिया उन्होंने स्टूडेंट को, और बाकी स्टूडेंट जो है बीए बीकॉम उनको उनको भी उन्होंने अबाउट 200-300 स्टूडेंट्स उनके यहाँ काम करते हैं, जॉब दिया उन्होंने सभी लोगों को, और सोसाइटी में भी बहुत हेल्प करते हैं, कोई सोशल फंक्शन हो कोई अच्छा काम हो उसमें फाइनेंशियली मदद करते हैं वो लोग। तो वो उनके अमीर भी है, 5-स्टोरीड बिल्डिंग है उनकी, 3-स्टोरीड बिल्डिंग है, और 4-व्हीलर्स है उनके घर में 4-5। तो अभी ये पैसा भी कमा रहे, फिजिकल फैसिलिटी भी कमा मिला रहे, बाद में सोशल वर्क भी कर रहे, तो और खुश भी है, अच्छा चल रहा सब। तो इसमें ये जो है ये प्रोग्रेस नहीं है, ये सुख नहीं है क्या, ये मेरे को पूछना चाहिए। यानी जैसे अमीर लोग है वो जो कुछ लोग ऐसे भी होते कि वो फिजिकल फैसिलिटी भी मेंटेन करते हैं और बाकी भी अच्छे काम करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे भैया थोड़ा उसके बारे में। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है भैया। तो कई बार ऐसे जब हम उदाहरण देखते हैं समाज में, हमको लगता है ये भी तो विकास है, ये भी तो ठीक जी ही रहे है ना, ये भी तो सुख लोग जी रहे हैं, इसको करने में क्या बुराई है। बट उसका टोटलिटी में हम देखेंगे है ना कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं उनको अपनी सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो उनके अंदर समृद्धि का जो सुख मिलेगा वो नहीं मिल पा रहा होगा। तो हो सकता है 3 गाड़ियां 5 गाड़ियों की ललक बनी हुई है, 5 है 7 की ललक बनी हुई है, तो समृद्धि के भाव का जो सुख मिल रहा है वो नहीं मिल पा रहा होगा। ये अच्छी बात है कि समाज में फिलेंथ्रोपी के साथ जी रहे हैं है ना, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, अवसरों पर दान चंदा भी दे रहे हैं, परंतु ये पैसा कमा कैसे रहे हैं? क्या हम एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी दे रहे हैं कि नहीं है ना, या हम नेचर का पोषण कर रहे हैं कि नहीं, जिन परिवारों के साथ जुड़ के काम कर उनका पोषण कर रहे हैं कि नहीं, या उनका शोषण कर रहे हैं। तो कई बार ये भी होता है कि यहाँ हमने शोषण किया और वहां हमने उसको दान चंदे में दे दिया, ये भी कई बार देखने में आता है। फिर भी देखना होगा कि वो जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें और जो व्यवसायी है उनके प्रति संबंध का भाव है या विरोध का भाव है। अगर विरोध का भाव होगा तो ऑफिस में बैठने के साथ ही तनाव चिंता परेशानी शुरू हो जाती होगी, उनके साथ संघर्ष कर रहे होंगे, उसका दुख भोग रहे होंगे, अगले को भी दुखी कर रहे होंगे। तो संपूर्णता में देखेंगे तो दिखाई देगा कि अल्टीमेटली जीना ठीक है कि नहीं। तो हर व्यवहार उभय सुख के अर्थ में है कि नहीं, हर कार्य उभय समृद्धि के अर्थ में है कि नहीं। तो समाज यहाँ भी देखिए, ये समाज के वो लोग जो दूसरे का पोषण करने का विचार ही नहीं करते, सिर्फ शोषण कर्म से, तो बेहतर जी रहे हैं। परंतु ज्ञान की संभावना अभी भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान के अर्थ में जो भाव विचार सुनिश्चित होना है वो अभी नहीं हो रहा है। और उसमें आप पाएंगे कि कुछ अगर अकस्मात घटनाएं हो जाए, कहीं बिजनेस में धोखा हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो उसका उनका पूरा चरित्र ही बदल जाए। जहां पहले बहुत फिलैंथ्रोपी के साथ सोच रहे थे, अभी उल्टा सोचने लगे, ये सब बदमाश लोग हैं, मैंने इतना किया इनके लिए है ना, और इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब इन सबको मैं सबक सिखाऊंगा, तो उसमें पूरा उल्टा भी हो सकता है, ये भी एक संभावना रहती है जी। एक बार हमारे में ज्ञान समाधान हो जाए तो उसमें निश्चितता होती है, निरंतरता होती है, और हमारे आचरण में ये हर क्षण ये प्रमाण दिखता है, वह सुख वह समृद्धि जी। भैया लेकिन जिंदगी जी रहे तो सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज अगर जुड़ाते हुए भी ये सब कर सकते हैं, अपन फिजिकल फैसिलिटी भी बढ़ा रहे हैं और ये ज्ञान भी संपादन कर रहे, तो ये तो अच्छी सिचुएशन, अच्छा वे ऑफ वर्किंग है ना। तो इसमें अपन जैसा बोलते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी आइडेंटिफाई करके उसमें ही थोड़ा बाद में जो टाइम मिलता है वो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो जैसा मुकेश अंबानी है जो देश के विदेश के बड़े रिच लोग है, तो उनके बारे में फिर कैसा सोचेंगे अपन, क्या सोचेंगे उनके अंदर देखेंगे भाव क्या है, संबंध का है या विरोध का है, पोषण का है कि शोषण का है। अच्छा अच्छा, वो देख के भाई इतना सुविधा क्यों कमा रहे हैं हम, आवश्यकता क्यों है, संवेदना सुख पाने के लिए कमा रहे हैं, दूसरे से कोई भाव पाने के लिए कमा रहे हैं है ना, क्या उनके आचरण में संबंध का भाव दिखता है, क्या उनके आचरण में है ना
शरीर को साधन के रूप में देखते हुए निर्वाह करने का भाव दिखता है। इनफैक्ट एक ट्रिकल डाउन थियरी कहते हैं, उसमें होता है कि अगर आप बहुत सारा सुविधा संग्रह करेंगे, भोग करेंगे, तो उसका एक हिस्सा समाज को भी जाएगा। तो इसको भी कई लोग मानते हैं कि भाई ठीक है, हम खूब सुविधा संग्रह करेंगे, भोग करेंगे, अल्टीमेटली हम होटल से मंगा के खाएंगे तो होटल वाले को रोजगार मिलेगा, ठीक है ना, हम मनोरंजन करेंगे तो किसी को काम मिलेगा, उसको भी कई बार लोग जस्टिफाई करते हैं। उसमें मूल रूप से जो मुद्दा है सुखपूर्वक जीने का, वो तो ध्यान से उतर ही जाता है। तो हो सकता है हम खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बट ना हम सुखी हो रहे हैं ना दूसरा सुखी हो रहा है। और इसमें काफी संभावना है कि हम अपने जो साथ के व्यवसायी हैं उनके साथ संबंध का निर्वाह नहीं कर पा रहे। एक टेंडर पाने के लिए हम उन सबके साथ छल कपट करने को तैयार है, पूरे समाज को ध्वस्त करने को तैयार है। प्रकृति का दोहन करके हम खूब सुविधा संग्रह कर रहे हैं, प्रकृति के पोषण का ध्यान ही नहीं है हमको। संभावनाएं तो है जी। तो ये दो छोर हैं अपने जीने में, एक छोर पे हम स्वयं में अनुभव के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे छोर पे हम सार्वभौम व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बात हुई थी कि अनुभव के आधार पर हमको अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में दिखाई देता है, अनुभव की क्रिया में अस्तित्व मुझे सहअस्तित्व के रूप में दिखाई देता है, उसका मुझे स्वयं में प्रमाण मिलता है। इस रूप में जब मेरी सारी क्रियाएं उसी अर्थ में व्यवस्थित हो जाती हैं, तो ये जो अनुभव होता है उसको हमने नाम दिया स्थिति को परमानंद। उसके आगे हमारे बोध में जो पूर्णता होती है, व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट हो गई, उसको जो नाम दिया उसको कहा आनंद। उससे इच्छाएं निश्चित हो गई, उसको कहा संतोष। उससे विचार में लय आ गया, निरंतरता हो गई, उसको कहा शांति। सुख की निरंतरता हो गई, चयन आस्वादन निश्चित हो गया, उसको कहा सुख, है ना। तो इस रूप में हमारा स्वयं में विकास दिखाई देता है। तो स्वयं में हम ईश्वर गति कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हम फैल कर समाज में, परंपरा में, व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। जितना जितना फैल कर भागीदारी कर रहे हैं उतना उतना स्वयं में ज्ञान के लिए प्रेरणा बन रही है। तो अगर आपको आज के दिन एक क्लास की जिम्मेदारी है 60 बच्चों की, तो आपके अंदर जो भाव तैयार होता है 60 बच्चों को कैसे सुखी समृद्ध सुनिश्चित करना है इनका। अगर आपको एक कॉलेज की जिम्मेदारी दी जाए तो कहे कि सबके साथ आपको न्याय करना है, कॉलेज जितने इम्प्लॉय है सबके साथ, जितने बच्चे सबके साथ, तो आपको और उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो जितना जितना हम फैल कर जिम्मेदारी स्वीकारते हैं, भागीदारी करते हैं, उतना उतना हमारे अंदर ज्ञान के लिए तत्परता बढ़ती जाती है। और जिम्मेदारी स्वीकारने का मतलब मान्यताओं के आधार पर नहीं, समझ के आधार पर। तो अभी एक व्यक्ति के प्रति हमको जिम्मेदारी स्वीकारनी होना समझ के आधार पर, तो आपके लिए भारी पड़ सकता है। अभी किसी एक व्यक्ति के साथ न्याय को निरंतर रख पाना, न्याय को बनाए रख पाना निरंतर, अपने आप में आप पाएंगे बहुत डिफिकल्ट काम लगेगा। क्योंकि जब तक ये सारे मुद्दे स्पष्ट नहीं, किसी एक व्यक्ति के साथ हम न्यायपूर्वक नहीं जी पाते, ये हमारी स्थिति बन जाती है। किसी एक व्यक्ति के साथ जीने जाते हैं और मुझे उसका ना तो अधिमूल्यन करना है, ना अवमूल्यन, ना अमूल्यन, हर क्षण समय का आकलन करना है, तभी तो मैं न्याय कर पाऊंगा। उसके लिए मैं और शरीर का समझना जरूरी है, मैं और मैं का संबंध समझना जरूरी है, मैं में विकास क्रम जागृति क्रम समझना जरूरी है कि मैं में जागृति किस प्रकार होती है, किस प्रकार अवेकनिंग होती है हायर एक्टिविटीज की, तभी तो हम उसका न्याय कर पाएंगे। तो किसी एक व्यक्ति के साथ में अगर हमको न्याय करना हो तो उसमें ये सारी स्पष्टता की जरूरत है। और किसी एक व्यक्ति के साथ हम न्याय की अगर निरंतरता को बनाए रख पाते हैं तो हम बाकी सबके साथ न्याय करने में सक्षम हो जाते हैं। तो एक ये भी है कि हम है ना न्याय को एक मुद्दा बनाए, संबंध को एक मुद्दा बनाए कि किसी व्यक्ति के साथ मुझे संबंध को ठीक ठीक निर्वाह करना है। और संबंध ये नहीं कि दूसरे की मान्यताओं को पूरा करना है, संवेदनाओं को पूरा करना है, न्याय सुनिश्चित करना है। इसको करने जाएंगे ना तो स्वयं में भी इसकी एक प्रेरणा बनती है कि मुझे इन सब चीजों को समझना होगा, अदरवाइज हम न्याय नहीं कर पाएंगे, अपने छोटे बच्चे के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर उसका चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ और चेहरे पे आंसू देखकर मैं दुखी जाता हूँ तो मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो एक एक व्यक्ति के साथ भी अगर हम न्याय को सुनिश्चित करने जाए तो उसमें हमें अपने अंदर ज्ञान के लिए प्रेरणा बनती है। और उससे हम एक व्यक्ति के साथ न्याय करते हो, हर एक के साथ न्याय करने में हम योग्य बनते जाते हैं। तो जितना हम फैल कर जीते हैं, जितना सटीकता से हम संबंध का निर्वाह करते हैं, तो फैल भी रहे और सटीकता से निर्वाह भी कर रहे हैं, उतना ही स्वयं में ज्ञान के लिए तत्परता
तैयारी बनती जाती है और जितना जितना ऊपर ज्ञान में हम पहुंचते जाते हैं उतना ही सहज रूप से ये सब कर पाते हैं। अभी विचार पूर्वक करना पड़ता है, सहज रूप से कर पाते हैं। अभी चार लोग आपके घर आ जाए, देखिए आपके अंदर क्या भाव विचार चलता है, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, कोई जाकर हमारी बात शिकायत ना कर दे, उस पूरे उस विचार क्रम के साथ, उस भाव के साथ हम उसके लिए तैयारी करें, खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अंदर अंदर भय चल रहा है। ठीक, अब आप देखिए कितने थकते हैं हम, बट यदि मुझे संबंध स्पष्ट हो तो थकावट नहीं होगी। चार क्या 40 भी आ जाता, हम योजना बना सकते हैं कि हाँ भाई इस प्रकार 40 घर में जगह नहीं है, इस प्रकार से निर्वाह करेंगे, संबंध में आश्वस्ति है कि नहीं। तो अभी हम एक व्यक्ति के साथ, दो व्यक्ति के साथ, चार व्यक्ति के साथ भी निर्वाह करते इतना थकते हैं, क्योंकि शंका, भय, विरोध सारा झेलते रहते हैं अपने अंदर, इसके साथ निर्वाह करते हैं। परंतु यही चिंतन के साथ अगर निर्वाह करें तो थकेंगे ही नहीं, भाव स्पष्ट है, व्यवस्था का बोध हो जाए तो जो भी हम उनके लिए सुविधा जुटा रहे हैं उसमें थकेंगे नहीं, तो भाव स्पष्ट है। तो एक छोर पे हमें अनुभव के लिए काम करना है, दूसरे छोर पर फैल के भागीदारी करने की जरूरत है। और भागीदारी का मतलब सिंपली निर्वाह किसी भी आधार पर करें ऐसा नहीं, संबंध करते हैं भागीदारी, व्यवस्था करते हैं भागीदारी, और उसके लिए जिम्मेदारी स्वीकारने की जरूरत है। हम भागीदारी से शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं। अभी देखिए तो बहुत सारा काम अभी चल रहा है वैल्यू एजुकेशन को लेकर, लोगों ने कई प्रकार की जिम्मेदारियां स्वीकार ली, यानी वो काम अगर पूरा नहीं हो रहा तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसको पूरा करना है, उसके लिए जैसे भी टीम बनानी हो, उसके लिए जैसे भी मुझे तकनीकी सीखनी हो, उसके लिए जैसे ही फैसिलिटेशन करना हो, मेरी जिम्मेदारी है, तभी इतना सारा काम चल पा रहा है ना। यही जिम्मेदारी का भाव और बढ़े, पूरे समाज को अखंड बनाने की जिम्मेदारी है, हम इस बात को देख पाते हैं। सार्वभौम व्यवस्था की जिम्मेदारी है, मानवीय परंपरा की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के भाव से जिएंगे तो हमारा आचरण अपने आप उसके अर्थ में तैयार होने लगता है। मेरे पास आधा घंटा भी फ्री है तो मैं कहाँ लगाऊंगा, इस बात को मैं तय कर सकता हूँ जी। परंतु इससे बोझिल होने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम जहाँ खड़े हैं वहां से हम योजना कार्यक्रम बनाएंगे और फिर आगे के लिए हम विकास करेंगे जी। बढ़िया, तो जितने हम लोगों ने समाधान के मुद्दों पर बात की थी वो देखें तो 9 मुद्दे थे, ज्ञान, विवेक, विज्ञान, व्यवहार, कार्य, व्यवस्था में भागीदारी, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा, ये 9 मुद्दे थे। तो इस पे बात हुई थी पहले भी, ज्ञान देखें तो ब्लॉक V1 की क्रियाओं से जुड़ता है, तो सहस्तित्व, चार अवस्थाओं की समय व्यवस्था और चार अवस्थाओं का प्रभाव, तो ये हमें दिखता है ना। तो ज्ञान का ये मुद्दा है, तो ज्ञान स्वयं में सुनिश्चित होना है, अनुभव के आयाम में सुनिश्चित होना है, तो 3.1 को यहाँ प्लेस किया। विवेक को देखें तो विवेक इच्छा के स्तर पर है, उसमें चित्रण भी है और चिंतन भी है, तो भाव की स्पष्टता के साथ मानव लक्ष्य हमारे में निश्चित होता है, हमारे चित्रण में। फिर विज्ञान को देखें तो कल्पनाशीलता में, उसके लिए हम योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन ये सारा कुछ करते हैं कल्पनाशीलता में। फिर 3.4 को देखा व्यवहार के रूप में, 3.5 कार्य के रूप में, 3.56 भागीदारी के रूप में। फिर उसी को और आगे बढ़ाएं तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा। तो जो पूरा समाधान का स्वरूप है जिसको हम लोगों ने पहले रखा था उसको फिर से कनेक्ट कर रहे हैं कि ये समाधान का पूरा स्वरूप है। जो मानव की मूल चाहना है निरंतर सुख, वो 1 नंबर पे लिखा है, उसको पूरा करने के अर्थ में ये पूरा समाधान का स्वरूप दिखाई देता है जी। तो असाइनमेंट ग्रुप में इतनी बात है कि हमें अपने स्वभाव, धर्म और परम धर्म इसको देखने की जरूरत है, और ये भी देखने की जरूरत है कि आनंद की स्थिति अगर मेरे अंदर होती है किस प्रकार से होती है, संतोष का भाव होता किस प्रकार से होता है, शांति होती किस प्रकार से होती है, सुख होता किस प्रकार से होता है, तो इसको हमको स्वयं में देखना है। ये जो मॉर्निंग सेशन है उसका पूरा इंफेसिस स्वयं पे है। तो अभी हमको ये जो इतना हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं इसलिए ताकि स्वयं पे ध्यान चला जाए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो पाए। तो लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं कि शब्दों के आपस का अंतर समझ में आ जाए कि आनंद संतोष में क्या अंतर है, संतोष और शांति में क्या अंतर है, नहीं, मेरे स्वयं में क्या चल रहा है, शांति है कि नहीं, संतोष है कि नहीं, ये मुद्दा है। तो इतना तो जरूर हम लोग कर लें, इनके बीच का हम अंतर स्पष्ट कर लें, परंतु वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो ये है कि भाव मेरे अंदर स्थापित हो जाए,
मेरी स्थिति बन जाए, सुख की, शांति की, संतोष की, आनंद की स्थिति बन जाए। और एक बार इसको हम स्थिति के रूप में देखना शुरू करते हैं अपने आप में, तो परंपरा में जो भी प्रयास हुए हैं ज्ञान के अर्थ समाधान को, सबके प्रति गौरव का, कृतज्ञता का है ना भाव बनता है हमारे अंदर। लोगों ने इतना तरह से प्रयास किया है, इतने तरह से सत्य को दिखाने के लिए प्रयास किया है, इतने प्रकार से मानवतापूर्ण आचरण को जीने का प्रयास किया है, तो स्वयं में देखना है ना कि ये स्थिति मेरी बन रही है कि नहीं, मेरे अंदर किस भाव का चिंतन हो पा रहा है, किसका नहीं हो पा रहा है, प्रकृति कौन सी अवस्था स्पष्ट हो पा रही, कौन सी नहीं हो पा रही है ना, शून्य का होना मुझे स्पष्ट हो रहा है कि नहीं या नहीं हो पा रहा। नमस्ते भैया। भैया जो ये आपने ब्लॉग्स जो दिखाए छोटे छोटे, जो ये शिफ्टिंग के रूप में हुआ ना, जैसे ज्ञान की, चिंतन की और जैसे अनुभूतियां हो रही है, तो ये शिफ्टिंग के आधार पे दिखेगा या विचार के आधार पे दिखेगा? अभी तो विचार में स्पष्टता बनेगी समाधान की। तो समाधान के पूरे स्वरूप को देखें तो 9 बिंदु थे, उसमें 9 बिंदुओं की स्पष्टता बन रही है विचार में। फिर जब उसको हम स्वयं में सुनिश्चित कर पाते हैं तो फिर हमें अपने विकास में दिखाई देता है कि हाँ मेरे अंदर स्थिति हुई। तो जैसे ज्ञान के 9 मुद्दे रखे है ना, हम देख पाते कि 9 मुद्दे में से कितने मुद्दे पूरे हो गए हमारे अंदर, या कम से कम उस अर्थ में कुछ काम आगे बढ़ा, कुछ विकास हुआ, कुछ जागृति हुई। ये समाधान का स्वरूप रखा जो सामने स्लाइड था ना, जिसमें कि 9 मुद्दे ज्ञान के रखे और 9 बिंदु हमने समाधान के रखे। और भैया जैसे समाधान स्वरूप दिखता है कि भई आप में वो गति बन गई है, और जैसे आपने बोला उदाहरण के लिए कि मेरे में वो शांति हो जाए, मेरे में वो बोध हो जाए, और भागीदारी में अब क्या कितना फैल के कर पा रहे, उस चीज को देख पा रहे कि नहीं, जब इस चीज को भैया देखने लगते हैं, जैसे कि अभी एक भैया ने उदाहरण रखा है कि अमीरों को या जैसे पैसे वाले हैं उनको कैसे देखा जाए, तो जैसे कई बार इस बात को देखा जाता है कि इतने समझ कई बार होते, उनको भी ज्ञान होते हैं, समझ होती है काफी, बात बहुत अच्छे करते, पर कई बार उन पे अगर ये थोड़ा सा प्रस्ताव रखी जाए कि आप समाज के लिए या आप क्या मतलब उसके लिए कर रहे हो, एक सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, छोटे रूप में तो किसी भी तरीके से उनको ध्यान खिंचवाया जाए, तो वो अभी यही बोलते हैं कि अरे कोई सोसाइटी के लिए थोड़ी ना आया, दुनिया से दिखाते करते थोड़ी ना, जो करते हैं ना वो ऐसे फंसा लेते हैं, उनको ना ये फंड चाहिए होता है, उनको वो चाहिए, मतलब वो एक दूसरे ले में चले जाते और कमी तो उनको भी नहीं है। और जो आपने एक उदाहरण दिया भैया की बात, तो वही है कि 40-50 उन्होंने वर्कर तो नीचे रखा हुआ है, लेकिन उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है ये तो आप, हम बड़े रूप में देखते हैं कि ये बड़े अच्छे, पर जब उनको करीब से देखने जाए तो वो भाव तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि देखो ये जो बाहर लग्जरी दिखा रहे या 150 दान देते तो वो इस रूप में दिखाया जा रहा है और ऐसे दिखा रहे हैं, पर बेचारे जो नीडी है उनके नीचे है, उनके लिए कर रहे, उनको वो मतलब कि मदद के रूप में आगे नहीं आते, ज्यादातर तो यही देखने में ही आता है, और उनके आगे जब ये बात रखने रखो तो उनको ये पसंद नहीं आता है। यहाँ भैया थोड़ा सा मुझे स्पष्टता चाहिए जी। तो ये तो ठीक है, ये तो बात पहले भी हुई कि अभी हम 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, परंतु उनके साथ निर्वाह कैसा कर रहे हैं, उनके साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं, और उन 50 लोगों में भी देखेंगे कि उनके अंदर भी ज्ञान समाधान की क्या स्थिति है, ये प्रॉब्लम म्यूचुअल हो सकती है। तो जो 50 लोगों को रोजगार दे रहा है वो 50 लोगों का शोषण करने का विचार कर रहा हो, संभावना है, और जो 50 लोग काम कर रहे हैं वो भी उसका शोषण करने की सोच रहे हैं कि कम से कम काम करके अधिक से अधिक सुविधा मिल जाए, वो सोच रहा है कि कम से कम है ना दाम देकर अधिक से अधिक काम ले लिया जाए, तो वहां पर लेन लेन के संबंध से निर्वाह होगा, वहां खींचातानी रहेगी, देन देन के साथ चले तो अलग तरह से निर्वाह होगा। तो ये सब तो इश्यूज है। अब अगर हम ऐसे व्यक्ति को मूल्यांकन भी करें तो ये सब हमको दिखाई देते हैं कि हाँ ये समस्या के रूप में है, परंतु हमें ये भी देखना बनता है कि अगर हमें 50 लोगों के साथ काम कराना हो न्यायपूर्वक तो क्या हम कर पाएंगे। तो जब दूसरे को देखते हैं तो हमको ये कमियां दिखती हैं, बट हम स्वयं में भी अगर आकलन करें कि अगर हमें 50 लोगों से कोई रोजगार कराना हो, कोई काम कराना हो, तो क्या उनका हम न्याय सुनिश्चित कर पाएंगे, किस रूप में कर पाएंगे, है ना। उसमें कई प्रकार के लोग होंगे, हर व्यक्ति अपनी भी दृष्टि हो सकती है, तो हम इनका भी सही आकलन तब कर पाएंगे और उनका 50 लोगों का भी आकलन सही कर पाएंगे।
जी भैया, यहाँ पे भैया जैसे मैं ऐसा देखती हूँ, मैंने यहाँ पर जैसे अपने आप को देखा है कि अगर मुझे वो 50 या 40 से काम लेनी हो तो क्या मेरे में वो एक जैसे एक बड़े सीट या बड़े पद पे बैठे होते हैं, मैं बॉसपन का क्या मेरे में वो आ रहा है, या फिर मैं स्वयं उनके साथ खड़ा होके बॉसपन ना दिखा के मैं भी उनके लिए उतने ही जस्टी बन के करूं कि पहले तो मैं करूं मेरे में वो है कि नहीं, मैं जो उनसे जी इच्छा कर रहा हूं कि मुझे ये प्रॉफिट चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और मतलब हर चीज में, तो उसके लिए मैं भी तो करूं ना, मतलब मैं उनसे क्यों इतनी अपेक्षा कर रहा हूँ, मेरे को भी अगर मैं बॉस हूं तो मैं बॉस वाला ऐसा कौन सा काम करा मैंने, अगर मुझे उतनी रिस्पेक्ट लेनी है अगले से और इतनी कमाई चाहिए तो मुझे भी तो उतने ही देना पड़ेगा, एटलीस्ट भाव तो दे, करे तो साथ में खड़े जी तो सब हैं, तो वो तो भैया फिर बड़े एक जैसे यूनिट की अकेले से तो नहीं होगा, यूनिट एक होती है और एक जैसे उसमें हम भी पूरे भागीदारी करेंगे, ये मतलब वो तो फिर संबंधी का भाव आता है वहां तो। हाँ, तो उसको हम अपने आप में जांचेंगे और हम उसको जी कर देखेंगे भी कि हम इसको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। और जितने लोग हमारे साथ काम करते हैं, कम से कम उनके साथ शुरू करेंगे। अगर घर में कोई मेड आती है तो उनके साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं, उनका संबंध का ठीक निर्वाह कर पा रहे हैं कि नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस में निर्वाह कर पा रहे हैं, उनके साथ जुड़ के हम काम कर रहे हैं उनके साथ हम ठीक से निर्वाह कर पा रहे हैं। किसी कॉलेज में हम एचओडी हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो हम अपने साथ काम करने वाले, अपने अंडर काम करने वालों साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, जांचेंगे। जी नमस्ते भैया, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे हमने पहले 50 लोगों को अपने यहाँ काम पर रखने की बात की, बाद में हमने मेड पर मेड की भी बात की, तो वैसे ही मैं ऐसे छोटे लेवल पे ही बात कर रही हूँ। मानिए हम अपने घर में कोई मेड रखते हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें मतलब जैसे है ना उनका शोषण नहीं करना, हमें उन्हें प्रॉपर पेमेंट करना, जैसे अगर मैंने अपने घर में मेड रखा है, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी मेड रखा है, तो कई बार ऐसी बातें सुनने को आती हैं भैया कि आपने तो रेट बढ़ा दिया, मतलब अपने पड़ोसियों से अपने मेड को इतना दे रहे हो तो हमारी भी हमसे इतना मांगती मांगेंगी तो उतना ही देना है जितना मतलब सभी लोग दे रहे हैं, जी मतलब देखिए ये उसमें सामाजिक भी, व्यवस्था में ऐसा भी तो होता है ना कुछ। हाँ उसमें भी फिर हमें ये भी दिखाई दे कि मेरा संबंध सिर्फ मेड के साथ नहीं है, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी है, तो उनको जी वही वही हम, हाँ हाँ ये भी ध्यान देंगे। और साथ में कोई दिखता है कि इनको जो उपयुक्त तो पेमेंट करना बनता है वो हम कर दें। साथ में ही पेमेंट करने मात्र से न्याय सुनिश्चित नहीं होता है, उभय सुख सुनिश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो जी भी सुविधा सुख पाने में लगा हुआ अगला व्यक्ति, तो फिर कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो उसके लिए भी हम सही समझ के लिए काम करेंगे, सही भाव के लिए काम करेंगे। और उसके फिर हमको दिखता है कि संबंध इनके साथ भी है और पड़ोसों के साथ भी है। तो मान लीजिए हमने उसका जी पेमेंट तो अगर उससे कोई सिस्टम बिगड़ रहा है उतना ही रखा, बट उनके हमने सुविधा के रूप में कुछ और चीजें दे दी, उनकी जी आवश्यकता जैसे पूरा कर माने सकते कपड़े हैं। दे दिए कुछ, मतलब उनकी आवश्यकता की को पूरा कर दिया किसी और रूप में, समझ जी गए उनके भैया। बच्चे के पढ़ाने में हमने सहयोग कर दिया है जी ना, जी उनके बिल्कुल इलाज में बिल्कुल सहयोग हाँ कर दिया, तो जी हमें भैया जी जी तो ये तो विचार रूप में हम ये इनफैक्ट ये विज्ञान का भाग है कि अगर हमने सिर्फ एक व्यक्ति को एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया तो उससे बाकी जगहों पे क्या असर पड़ रहा है, ये भी देखना बनता है जी जी ना। तो बिल्कुल हम जी उनका हमारे अंदर संबंध का भाव होता है, तो उसके लिए हम योजना बना लेते हैं कि जो पड़ोसी हैं उनको भी परेशानी ना हो और ये जो मेड है इनको भी परेशानी ना हो, और पड़ोसी के लिए भी ज्ञान के लिए काम करते हैं। अगर वो शोषण कर रहे हैं अपने मेड का, कम पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ भी हमको काम करना है ताकि उनमें समझ बढ़े। मेड के लिए भी काम करना है कि अगर हमने उसको जो एक्स्ट्रा पैसे दिए उसका उसने क्या किया, शरीर के पोषण के अर्थ में प्रयोग किया या संवेदनाओं के अर्थ में प्रयोग किया, है ना कि नहीं। अभी आप जी कई भैया बार ये भी समझ हुआ कि लेबर को आप जिस दिन पेमेंट देते हो खूब जाके शराब पीता है जी हमें होता न्याय है के अर्थ जी में तो अगले में समझ ही विकसित करनी है, खाली सुविधा देने से बात नहीं बनेगी। जी 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 धन्यवाद समय हो चला है तो कल हम लोग हायर लेवल एक्टिविटी को और डिस्कस करेंगे और लैबोरेट डिस्कशन करेंगे। तो सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।